सो है गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना। पता है एक महीने से वीडियो नहीं डाला है, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। सो, अभी रेगुलर वीडियो आएंगे, आपको नए नए जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे उसके पूरे रिव्यूज वीडियो मिल जाएंगे, कनेक्टिंग वीडियो मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। सो वेट इज़ ओवर। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी दिवाली। हाँ, लेट हूँ विश करने में, लेकिन कोई बात नहीं। सो आज आपके लिए लेके आए हैं फॉसिल जेन 8, जो डायमंड वाला एडिशन है। पूरे यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो ये रहने वाला है, किसी ने अभी तक इसका फुल वीडियो नहीं बनाया है और अभी मार्केट में ये मिल भी नहीं रहा है। सो लिमिटेड स्टॉक है, किसी को चाहिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है वहां से आप बाय कर सकते हो। इस प्रकार से बॉक्स मिलने वाला है, आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा बॉक्स है और बहुत ही स्लिम बॉक्स है, स्लिम ट्रिम बॉक्स बनाया है। यहाँ पे जेन 8 स्मार्ट वॉच लिखा हुआ है। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ी डिटेल मिल जाती है, क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या नहीं है। सो मैं आपको ये सारा ओपन करके दिखा देता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये ओपन होता है बॉक्स, तो इसको इस तरह से ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें सामने की तरफ दिखता है गेट आंसर ऑन द गो, तो इसमें गूगल असिस्ट भी वर्क करता है, तो सारे फंक्शन इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पर भी बॉक्स के ऊपर भी लिखा है बीटी कॉलिंग, हार्ट रेट और स्टैंड बाय 50 डेज का आपको इसमें मिल जाता है। तो बहुत ही बढ़िया बैटरी इसमें मिलने वाली है। मैं 5 दिन से ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ एक यूनिट, पर मैंने देखा है कि अभी भी उसमें बैटरी बची हुई है, तो इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है। 5 डेज का आपको मिनिमम बैटरी बैकअप मिलने वाला है। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो सामने की तरफ हमें यहाँ पे दिखता है एक वॉच रखा हुआ, एक चार्जिंग केबल है, एक गोल्ड स्टेनलेस स्टील वाला एडिशन का स्ट्रैप यहाँ पे मिलता है और एक सिलिकॉन। सो ये एक वायरलेस चार्जिंग है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना इसका लेंथ है। सो मुझे लगता है ओके, तो लेंथ तो काफ़ी इनफ है, अच्छा लेंथ दिया है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं 2 स्ट्रैप और दूसरा वाला है यहाँ पे हमें सिलिकॉन का स्ट्रैप मिल जाता है, तो कुछ सिलिकॉन में इस टाइप से मिलता है। वॉच को यहाँ पे बाहर निकाल ले तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। इस टाइप से कुछ हमें गोल्ड कलर में वॉच देखने को मिल जाता है। बैक साइड पे यहाँ पे पन्नी लगी हुई है स्क्रचिज के लिए। यहाँ पे पूरा ये मेटालिक डिज़ाइन है, कोई प्लास्टिक का यूज़ नहीं है, ये पूरा मेटल है, ये पूरा मेटल डिज़ाइन है। यहाँ पे पूरे के राउंड के ऊपर डायल के ऊपर यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो डायमंड से, तो ये बहुत ही प्रीमियम लगता है। अभी ये थोड़े शाइन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफ्यूज़र लगाए हुए हैं लाइट्स पे, तो ये अभी शाइन नहीं कर रहा है। बाकी इसकी शाइनिंग बहुत ही अच्छी है, अगर आप डे लाइट में इसको यूज़ करते हो तो ये बहुत ही चमकने वाला है, आपके हाथ में दिखने वाला है। सो फटाफट से मैं इसको स्ट्रैप लगा देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक कैसा आता है वो। तो ये है फाइनल लुक, आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे फीलिंग आ रही है मुझे। ये आप चेक कर सकते हो, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हमें स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। राइट साइड की बात करें तो 3 बटन है, एक क्राउन बटन है जिससे हम स्क्रॉल वर्किंग है, और 2 ऑन ऑफ, एक पावर ऑन ऑफ और एक बैक का बटन यहाँ पे मिल जाता है। बहुत ही प्रीमियम है और ये स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप भी बहुत ही अच्छा है, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये लगाया अभी के लिए। तो चेकआउट कर सकते हो, ये डायमंड की रिंग पूरी आपको मिलने वाली है और पूरा आपको ब्लैक ऑयलेट यहाँ पे पैनल मिलने वाला है, फुल ब्लैक है। इसको फटाफट से ऑन करते हैं और देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। तो ये हमने ऑन कर लिया और सामने की तरफ हमें फॉसिल का लोगो यहाँ पे मिल जाता है। ये फर्स्ट बूट पे ऑन होने पर यहाँ पे ऐसा वॉलपेपर आया, हम चेकआउट करते हैं डिफरेंट वॉलपेपर क्या क्या है। ये सेकेंड वाला है, थर्ड वाला है, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, इसमें आपको 9 वॉलपेपर मिल जाते हैं और अपना कोई भी मनपसंद यहाँ पे आप लगा भी सकते हो। अभी के लिए मैं ये वाला लगा लेता हूँ, मुझे ये सही लग रहा है, डायमंड के साथ ये मतलब मैच हो रहा है पूरा गोल्ड गोल्ड। सो फटाफट से मेनू की बात करें तो किस टाइप से हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो स्वाइप अप करने पे हमें यहाँ पे देखता है मैसेज नोटिफिकेशन। जो भी आपके व्हाट्सअप, इंस्टा और फेसबुक के जितने भी मैसेज आएंगे आपको सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके लिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ किस टाइप से करना है कनेक्शन। साइड की बात करें तो यहाँ पे आप चेकआउट कर, यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट स्वाइप करने पे आप बैक लगा सकते हो। यहाँ पे हमें मेनू स्टाइल देख लेते हैं किस टाइप के अपने, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 मेनू स्टाइल हमें मिलने यहाँ पे मिलते हैं,
क्यूआर कोड की बात करें तो यहाँ से हम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मेनू स्टाइल आपको शो करवा देता हूँ, ये फर्स्ट वाला मेनू स्टाइल है, आप चेकआउट कर सकते हो। पूरा ब्लैक स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिलता है और ये पूरा स्मूथ है, इतना स्मूथ इंटरफेस आपको और कोई वॉच में नहीं मिलता है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। और ये जो एनिमेशन है वो भी बहुत ही अच्छा है, मतलब पूरा स्मूथ वर्क करता है। दूसरा मेनू स्टाइल की बात करें तो यहाँ से हम दूसरा मेनू स्टाइल चेकआउट करते हैं, तो इस टाइप से कुछ मेनू स्टाइल देखने को मिलता है। यहाँ से स्क्रॉल बटन से भी हम इसको चेंज आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा ये बैक बटन है, यहाँ से हम इसको फिर से थर्ड वाले स्टाइल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमें इस टाइप से कुछ राउंड में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, चेकआउट कर सकते हैं। फिर से बैक लगाते हैं, यहाँ से हम फोर्थ वाला मेनू स्टाइल चेक करते हैं। ये देखो, इसमें भी मतलब बहुत सारे फंक्शनिंग है, ये इस टाइप का आपको कोई, और ये कितना स्मूथ है आप चेकआउट कर सकते हो, लगता नहीं है कि क्लोन वॉच है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे मिलता है। और लास्ट वाला मेनू स्टाइल देख लेते हैं हम एक बार। ओके, सो ये भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये वाला भी। पर माय फेवरेट जो हमारा जो एप्पल वाला फर्स्ट वाला आता है, मेरा तो वही फेवरेट वाला है ये वाला। इसमें सारे आइकनों में सामने दिख जाते और पूरा ये इतना मतलब मस्त लगता है, क्या ही बताऊँ। सो फटाफट से लेफ्ट स्वाइप करने पर हमारे यहाँ पे मिलता है रिसेंट ऐप, जो भी हमने यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटी की है वो यहाँ पे दिख जाएंगी। राइट स्वाइप, यहाँ पे स्टेप काउंटिंग का ऑप्शन है, उसके बाद हार्ट रेट मॉनिटरिंग आप चेकआउट कर सकते हो इस टाइप से। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे फिर से होम स्क्रीन आ जाते हैं, बस इतने ही ऑप्शन है यहाँ पे, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं आपको फर्स्ट मेनू दिखा देता हूँ किस टाइप से यहाँ पे मेनू मिलेगा। तो यहाँ पे मेनू में इतने सारे ऑप्शन है, हम फर्स्ट वन बाय वन चेकआउट कर लेते हैं क्या है। ये पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे साइकिलिंग, ये सारे फिटनेस जो एक्टिविटीज़ है मैं आपको एक 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 करके नहीं दिखाने वाला, ये सारी वॉच में सेम ही आता है। यहाँ पे ट्विटर का ऑप्शन है, तो ये ट्विटर इसमें चलता नहीं, मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ। हमने आगे भी काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि व्हाट्सअप, इंस्टा और फेसबुक के आइकॉन यहाँ पे रहते हैं, ट्विटर के भी, तो ये वर्क नहीं करता। यहाँ पे उसकी जो नोटिफिकेशन आएगी, मैसेज नोटिफिकेशन, वो यहाँ पे शो करेगी। यहाँ पे व्हाट्सअप का भी है, यहाँ पे फेसबुक का भी है और यहाँ पे ट्विटर का भी है, तो इसमें जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलती है वो यहाँ पे शो करेगी। यहाँ पे गैलरी का आइकॉन है, तो यहाँ पे गैलरी नहीं है, लेकिन ये थीम मेनू स्टाइल है। कोई भी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, काफ़ी लोग के कमेंट्स आते हैं कि सर इसमें हम फ़ोन की गैलरी चेक कर सकते हो, तो नहीं, वो आप नहीं कर सकते। ये इस टाइप का ऑप्शन सिर्फ ओरिजिनल जो स्मार्ट वॉचेस आती है 20-25 हज़ार 50 हज़ार की, उसमें ये ऑप्शन मिलते हैं, या आपको इतने कम प्राइस में ये ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो फटाफट से इसको कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से ये कनेक्ट होता है। तो इसके लिए हमें ऐप डाउनलोड करना है, हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ये क्यूआर कोड से हम स्कैन कर लेंगे और ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए ऐप का नाम है WWFit 2.0। सो हमने ऐप डाउनलोड कर लिया, आप चेकआउट कर सकते हो। इस टाइप से हमें तीन मेनू यहाँ पे देखने को मिलते हैं, होम, बाइंडर डिवाइस और सेटिंग। यहाँ पे बाइंडर डिवाइस पे जाएंगे हम, यहाँ पे स्वाइप डाउन का बोल रहा है, यहाँ पे स्वाइप डाउन टू सर्च करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है जेन 8 आ रहा है, इस पर सिंपली कनेक्ट कर लेंगे और ये कनेक्टिंग हो रहा है। ओके, तो ये कनेक्ट हो गया है, यहाँ चेक कर सकते हैं, ये सिंक्रोनाइज कर रहा है डेटा, तो अभी ये कनेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका टाइम भी चेंज हो जाएगा। ओके, सो अभी इसमें टाइम भी सेट हो गया है और ये मुझे कॉलिंग के लिए पेयर करने को बोल रहा है, तो मैं यहाँ से सिंपली पेयर कर लेता हूँ। तो ये अभी देखो कनेक्ट हो गया है यहाँ पे। अब मैं फाइंड ब्रांड यहाँ पे फाइंड बैंड करता हूँ तो हमें पता लग जाएगा, ये देखो वाइब्रेट कर रहा है और सर्चिंग बैंड आ गया। तो इस टाइप से ये वॉच कनेक्ट हो गया है। बाकी इसमें आपको मैं फंक्शन दिखा देता हूँ क्या क्या आपको मिलने वाला है। यहाँ पे इन्फो का ऑप्शन है, यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कितना आपको वॉकिंग करना है। यहाँ पे अलार्म का फंक्शन है, यहाँ से आप अलार्म यहाँ से सेट कर सकते हो प्लस आइकॉन पे क्लिक करके। यहाँ पे यहाँ पे ऐप पुश का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन ऑन करनी रहेगी। मैंने अभी ऑन करके रखा है व्हाट्सअप, ट्विटर और ये सारी चीज़ें, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, आपको किसकी ऑन रखनी है उसका आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पे वेदर का ऑप्शन है, डायल सेटिंग है, कॉन्टैक्ट्स है, फिर अदर का ऑप्शन है, अदर में हम चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे वाइब्रेट ऑन ऑफ का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट के अंदर आप कॉन्टैक्ट में जाके कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ ओटी अपडेट, तो यहाँ पे जो भी अपडेट आएगा, जो यहाँ पे लिखा है कि अभी अप टू डेट है, तो बाद में कोई भी अपडेट आता है तो आप यहाँ से इजीली अपडेट कर सकते हो। बात करते हैं डायल सेटिंग की, तो यहाँ पे इतने सारे आपको इनबिल्ट डायल मिल जाते हैं और यहाँ से आप अपना भी कस्टमाइज डायल भी डाल सकते हो। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे डायल मिलने वाले हैं, मैं आपको एक डायल डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ से अभी एक डायल सेटअप करता हूँ, मैं डायल सेटअप करता हूँ ये वाला। ठीक है, तो अभी ये सिंक्रोनाइज हो रहा है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। सो
भी ये वॉलपेपर लग गए आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस टाइप से आप कोई भी यहाँ पे वॉलपेपर लगा सकते हो और ये बहुत ही मस्त लग रहा है, आप चेकआउट कर सकते हो। कितना प्रीमियम लग रहा है, सिर्फ यहाँ पे टाइम शो कर रहा है, डेट एंड और सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है और फिर भी मतलब पूरा क्लीन इंटरफेस है। तो इस टाइप से आप कोई भी वॉलपेपर यहाँ पे लगा सकते हो। ये वॉच का बैटरी बैकअप मैंने आपको बता दिया, बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप है। ये 3500 का वॉच है, ये आपको मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं मिलेगा। हमारे पास 5-6 पीस पड़े हुए, आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इजीली बाय कर सकते हो। 100% ट्रस्टेड सेलर है, आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। उसका इंस्टा आईडी भी नीचे आपको मिल जाएगा और व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली बाय कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसका आपको कोई भी दिक्कत आती है कनेक्टिंग में, इसमें आपको दिखा दिया है, कोई भी दिक्कत आती है आप इजीली कनेक्ट भी कर सकते हो, बाद में भी आप कॉल या कमेंट करके इसको आप इजीली रिजोल्व कर सकते हो। तो ये बेस्ट वॉच रहने वाला है डायमंड एडिशन में, तो आपको अगर बाय करना है तो आप चेकआउट कर सकते हो।